वाचन करता हूँ सर, पहले माफी मांग लू फिर पढ़ लू सर। जी सर, नहीं सर अभी तबीयत थोड़ी सी बहुत बीपी बढ़ यही वजह है सर, यही। महोदय, मुझ प्रार्थी आरोपी के विरुद्ध इस प्रकरण में जारी किए गए वीडियो एवं उसमें उपयोग की गई शब्दावली एवं मेरे द्वारा शब्दों के चयन के चलते यह अवमानना प्रकरण चलाया जा रहा है। मैंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को जब समझा एवं जब मैंने उन्हें पुनः देखा तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य कितना अशोभनीय है। उक्त वीडियो में कहे गए शब्द मेरे लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मेरे परिवार के लिए एवं संपूर्ण जिला बार देवास के लिए भी अशोभनीय है। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उक्त कहे गए शब्द माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए कितने अशोभनीय, कष्टकारी एवं हृदयघातक होंगे। माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं उच्च न्यायालय की गरिमा इतनी ऊंची है कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा की कही गई कोई भी बात उनके ऊपर दाग नहीं लगा सकता। मैं अपने ऊपर अब मैं अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए प्रथम दिवस से ही क्षमा प्रार्थी हूँ एवं आज ही शपथ पत्र के माध्यम से मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से, इस खंडपीठ से, माननीय उच्च न्यायालय से एवं संपूर्ण विधि जगत से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय एवं उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों से मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से बिना शर्त के क्षमा प्रार्थी हूँ और यह विनम्र आग्रह करता हूँ कि मेरे विरुद्ध संस्थित इस अवमानना के प्रकरण को, मेरे शपथ पत्र को स्वीकार कर समाप्त किया जाए एवं इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में पुनः इस तरीके का कोई कार्य नहीं करूंगा जो माननीय न्यायालय की श्रेणी अवमानना की श्रेणी में आए। उक्त वीडियो मैंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के चलते भावेश में आवेश में उत्तेजना और लोगों के उकसाने में बिना सोचे विचारे मेरे द्वारा यह नासमझी कृत्य गलती से हो गया जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिला अभिभाषक संघ देवास द्वारा भी संघ की साधारण सभा का आयोजन दिनांक 12/24 को किया गया था जिसमें मैंने समस्त 1000 अधिवक्ताओं मीडिया के समक्ष इस कृत्य के लिए अपने द्वारा किए गए यह कृत्य की माफी मांगते हुए क्षमा याचना भी कर चुका हूँ। A video has also been sent to me. What has been stated in that paragraph that in the general body meeting of the Bar Association, I've seen that video also. I have that along with me, where he has repeated for that, before the entire Bar Association. Sir, उस समय माहौल ऐसा था कि भाव मतलब जो आपने ऐसा क्यों किया? आप जो एक कंटेम्प चला रहे हैं, कोर्ट ऐसी कंटेम्प क्यों आपको बुलाए हैं? ये वीडियो जो जारी हुए हैं, मतलब आप तक पहुंचे हैं या दूसरे लोगों ने पहुंचाए हैं? यह आरोप है सर वीडियो जारी करने का और मैंने इसी बात के लिए क्षमा भी मांग रहा हूँ कि गलती हुई है मेरे से। आप कैन एक्सप्लेन सर? नहीं करना था सर, हमारा है सर बार और बेंच। सर मैं चार बार से अध्यक्ष और सचिव हूँ, मतलब एक भी न्यायाधीश जो रिटायर्ड होकर गया है वो भी कभी ये नहीं कह सकता कि रामप्रसाद सूर्यवंशी का 2 साल का व्यवहार कैसा है। नालसा और सालसा में भी मैंने इतने गलती तो सर शून्य हो गया सर, अब नहीं करूंगा सर। और आपको आपका कर्तव्य है कि अब हिसाब से चले, अब हिसाब से चले, कोर्ट कैसा रहना है। सही बात है, आपने शायद सुना नहीं कि सर ने हमेशा ये बोला ये दिस इज माय स्ट्रीट। सर हड़ताल भी का स्वरूप भी बहुत गलत था, 1% वकीलों को केवल नुकसान हो रहा था, 99% लोग विरोध में थे, लेकिन हम क्या करें, बिल्कुल अब सीनियरों के साधारण सभा ने निर्णय लिया, नहीं तो मैं तो पक्ष में ही नहीं था सर। पर अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। नहीं नहीं सर लाइन उसके मुझसे व्यक्तिगत गलती हुई है सर, जीवन में आप कभी नहीं। मतलब सर टू ऑकेशन एफिडेविट सर फाइल्ड अर्ली 29/9/23 एंड 2nd of November 2023. Much we are really highly obliged for the magnanimous attitude displayed by my lords. We really understand that part, Marot. We should also, rather, we are failing in our, we as seniors are failing in our duties. Association of a junior, as a junior with a senior, that is passing by. I don't know what the reason is with the influx of this 5 years, Marot. They are basically, a group is formed of 10-15 children. They are independently working right from day one. So that thing now, I am unable to find good juniors now, Marot.
I don't say that they are not good. They are very good. We are feeling something. Please. Yes, yes. I am always there, sir. You know, as an individual, Malot has never harmed anyone over here, but always maintain the dignity of the chair and the courts, Malot. I always say that, even outside the court, I say that. There are few courts who really maintain the dignity of the chair. I always tell the juniors, supposedly some judge has said something to you, don't go and say something. Don't go and speak outside. Don't retaliate in the court. Yes. So it is always the ambience from which the child learns, Maro. Firstly, from the parents, then from the school, academics, friends, coming to the profession, from the environment in which he's being trained, all those things. When he sees his senior walking inside, going down before the court, he'll understand that part. If he doesn't see his senior going down while entering or while going out of the court, he'll never do that. So all these things, we tell, when a client comes down, I always say, I stand here between the court and the litigant, sir. I stand as a shield over there. If I don't teach my client to walk inside the courtroom with a button coat or a proper dress or a proper way of dressing, I always tell them, you know, you're coming to the court, come down properly. Keep your mobile away. So we act as a shield between the court and the litigant. We are there to teach the litigant as well as the new generation which is coming down. This is my lord's. As my lord always said, this is my state. Madhya Pradesh is my state. And this high court is my high court. And every lawyer should feel this high court is his high court. Hello. दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।